कल की खबर आप सभी तक पहुंच गई। आशीर्वाद टावर में अपार्टमेंट में आग लग गया, 14 लोगों की जान चली गई और एक जान की कीमत 2 लाख रुपए सरकार निश्चिंत है, जिनका जो गया गया। लेकिन इन सभी के बीच में मुझे लगता है कुछ लोगों ने, जो स्थानीय लोग हैं, उनकी भूमिका कटघरे में नहीं रही। निगम की लापरवाही झलकी, अग्निशमन गाड़ियां पहुंची पर कोई व्यवस्था नहीं। अपार्टमेंट में फायर फाइटिंग की सुविधा है, वो भी वर्क नहीं करने लगी। तब कुछ लोग मसीहा बनकर आगे आए। मेरे साथ जो शख्स मौजूद है, कल स्टार्टिंग से लेकर अंत तक बने रहे, जुटे रहे, उनसे सुनती हूँ उस दर्दनाक कहानी को और क्या क्या हुआ। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सीपी सिंह है। सर, आप यहाँ कितने बजे पहुँचे? मैं यहाँ पे आया था 6:45 में। 6:45 6:30 की घटना है जी। मैं 6:45 में आया जी। तो मैं यहाँ पे जैसे पहुँचा तो सबसे पहले मैं पीछे गया जिधर आग लगी हुई थी। उधर गया तो एक पीछे में हाजरा हॉस्पिटल, ये पाटलिपुत्र नर्सिंग होम है, वहाँ से फायर सेफ्टी वाले से लोग पानी काफ़ी उस थर्ड फ्लोर में दे रहे थे जी। और मतलब उस हॉस्पिटल का इतना अच्छा योगदान रहा कि हम लोग मतलब रग रोम रोम उनके हम लोग ऋणी हैं। अगर उसका सहयोग नहीं रहता उस हॉस्पिटल का जी। तो ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जल के खाक हो जाती जी। ये बहुत बड़ी कैजुअलिटी होती उनका हुआ। फायर की गाड़ी आने में काफ़ी डिले हुई क्योंकि खुद थाना प्रभारी अपने से फायर की गाड़ी लेके आए हैं, उस गाड़ी में सवार होकर, रोड इतनी जाम थी, वो खुद रोड क्लियर करवाते हुए आए। उसके बाद हम लोग सब बचाव कार्य में लगे, रोड क्लियरेंस करवाएं। ऊपर हम लोग गए, ऊपर गए तो चौथे फ्लोर में सीढ़ी पे ही सारी मतलब लेडीज़ बच्चे मतलब गिरे पड़े थे, औंधे मुंह सब गिरे पड़े थे। हम लोग बचाने का बहुत प्रयास किए, सभी जल चुके थे। एक लड़का वहाँ पे गैलरी में थर्ड फ्लोर से ऊपर चढ़ा था जी। वो अपने को ही बचाने की कोशिश कर रहा था, वो जंगिए पे था जी। वो लड़का, और उसके ऊपर पानी मारा जा रहा था, उसकी बॉडी हीट हो रही थी जी। ठीक है, वो बार बार नीचे आने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसकी फैमिली के लोग नीचे फंसे हुए थे। उसकी हालत को समझ सकते हैं आप, क्या उसके ऊपर बीत रही होगी। वो लड़का काफ़ी देर तक प्रयास किया कि हम नीचे जाके अपने बच्चों को, परिवारों को बचा सकें, गैलरी से लटक के वो लड़का, समझे। उसके बाद बहुत प्रयास किया गया एम्बुलेंस की, 6-7 ये एम्बुलेंस की भी बहुत लेट से एम्बुलेंस आई है, लेकिन आई है तो बहुत एक्टिव हुई है। ठीक है, और काफ़ी इसमें फायर सेफ्टी का तो व्यवस्था था जी। लेकिन किसी को चलाने नहीं आ रहा था, कभी मार्क ड्रिल चलाए हम लोग, 2 घंटा हम चलाए हैं, 2 घंटा ये लोग चलाए हैं। और सबसे बड़ा धनबाद का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ जो भी 13 फ्लोर 12-13 मंजिले बिल्डिंग है उसमें फायर का कोई व्यवस्था नहीं है। इसमें तो इत्तेफाक से था भी, आप जाइए जो अभी कांड हुआ हाजरा हॉस्पिटल के पास, वहाँ पे 2 बिल्डिंगें हैं, BG+12 2 बिल्डिंगें हैं, आप जाइए वहाँ पे देखिए, फायर का कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो फायर है ना पानी है। अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आएगी तो अंदर नहीं जा सकती है, आप बकायदा जाके वहाँ पे कवरेज ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इतनी गंदी व्यवस्था है, पता नहीं कैसे NOC मिल जा रही है, कमिटी बन जा रही है, ठीक है, बिल्डिंग पास हो जा रहा है, और यहाँ पे वो फायर ब्रिगेड है कोई व्यवस्था नहीं है। नगर निगम को हम लोग बोलेंगे यहाँ के, भूस लेने के लिए यहाँ पे तो फायर के लिए बस NOC मिल जा रहा, किस आधार पे NOC मिल रहा है। जो लोग जले पड़े थे फिर उन्हें निकाला गया। एक दृश्य तो ऐसा मतलब क्या बताएं, बयान नहीं कर सकते हैं। एक लेडीज छोटे बच्चे को ऐसे पकड़ के, ऐसे अखबारी में पकड़ के, वो मतलब पूरा उसका सब पीट वोट जल गया था और बच्चे का साइड से, मतलब हम लोग तो पूरी तरह से हताश हो गए उस चीज़ को देख के। तो आप पहली बार आपने इस तरह की जी? नहीं मैडम, पहली बार नहीं, हाजरा हॉस्पिटल में जो कांड हुआ वहाँ भी मैं शुरू से लेकर लास्ट तक था। सर, कोयलांचल को किसकी नज़र लग गई? अब क्या बोला जाए, आज भी सुबह में एक मर्डर हुआ है, आज सुबह में भी एक मर्डर हुआ है, उपेंद्र सिंह रिकवरी एजेंट का सुबह में मर्डर हो गया है, कल एक बलियापुर में मर्डर हुआ, मतलब पता नहीं धनबाद में हो क्या रहा है। हम लोग तो खुद एकदम दिमाग काम नहीं कर रहा कि हम लोग क्या स्थिति में यहाँ पे रहें। अपार्टमेंट में लिफ्ट की सुविधा थी? लिफ्ट की सुविधा थी, उसमें लिफ्ट के लिए कोई ये नहीं था, 2 लिफ्ट थी, लेकिन सीढ़ी जो बने हुए हैं, सीढ़ी कम से कम इन लोगों को 2 साइड से करने चाहिए कि अगर एक साइड अगर सीढ़ी की तरफ फायर अगर ये होती है तो दूसरे साइड से निकल जाए।
इसमें दो ट्विन बिल्डिंग्स है, आप देखिए ऊपर में दो है लेकिन क्या है, कनेक्टेड नहीं है। अगर कनेक्टेड रहते तो ये हादसा उतना नहीं होता, जाने इतनी नहीं जाती। और कितने लोग अभी जख्मी? देखिए जख्मी तो मोटा मोटी मान के चलिए कि जो सुनने में आया है 20-25 प्लस जख्मी हुए हैं और लगभग इतने ही कैजुअलिटी है, कुछ लोग मिसिंग्स भी हैं। मिसिंग्स भी हैं। ये आप सुन रहे थे जो लोग लगातार बने हुए थे, लेकिन सवाल अब भी पूछ रहा है कोयलांचल आखिर दोषी कौन है। सांत्वना मिल रही है, मेयर आ रहे हैं, डीसी एसपी सभी पहुंचेंगे और पहुंचते हैं, संवेदना जारी करते हैं, सब कुछ सही है, लेकिन कोई नहीं कहता है कि नगर निगम क्या कर रहा है। और अब जो कुछ लोग सामने आ रहे हैं वो भी डरे ही रहते हैं कि नगर मैडम एक चीज और बोलेंगे, प्रशासन में सिर्फ में एक शख्स का दोनों केस में, हाजरे वाले केस में भी और इस केस में भी, सिर्फ एक ही ऐसा बंदा है जिसने अपने जान पे खेल के दोनों को मतलब बहुत कुछ किया, वो हमारे बैंगमोड़ थाना के थानेदार हैं पीके सिंह साहब। वो कल इंजर्ड भी हो गए थे, कल उनकी सांस भी फूलने लगी थी, हम लोग उनको निकाल के बाहर में, उनको जूता वगैरह खुलवाया गया, शर्ट्स पूरे भींगे पड़े थे, खोल के उनको पीछे से हम लोग सांस ये करने का कोशिश किए। मतलब ये हमारा सौभाग्य है कि वैसा अफसर हमारे इस थाना क्षेत्र में है और उन्होंने क्या भैया उन्होंने जो किया वैसा मतलब हम लोग सिर्फ मूवीज में देखे हैं, ऐसा मतलब पहली बार सामने में देखा है हम लोग दोनों केस में। हाजरा हॉस्पिटल 6:45 में जब आप देख रहे थे तो कुछ आवाजें आ रही थी घर, हाँ आवाज़ चिल्लाने की तो काफ़ी आवाज़ थी, आवाज़ छत पे था, छत पर से भी लोग चिल्ला रहे थे, कॉरिडोर से चिल्ला रहे थे, पूरा छत पे सब चढ़ रहा था, जो जो जिसके जिसके घर के मेंबर्स थे वो लोग सब बोल रहे थे अपने फैमिलीज को कि छत पे चले जाओ, छत पे चले जाओ। ये आग सबसे पहले कौन से अपार्टमेंट पे लगा था? थर्ड फ्लोर में लगी थी, जिस घर में शादी थी उसी घर में, जिनके यहाँ शादी था उनके यहाँ नहीं लगा, मतलब वो रेंट पे जो लिए, मतलब ये लिए हुए थे सेकंड तल्ले में इधर आई सेकंड फ्लोर में रहता हूं, सेकंड फ्लोर में लगा आग। वो दिया कितने से हुआ है? जब देखा कि वो भयावह रूप ले चुका है, मैं पुराने बाजार से, मेरा घर है वहाँ से, मैंने जब धुआं देखा काफ़ी तो मैं भी दौड़ते हुए आ गया। आने के बाद मैंने देखा कि उस छोर में जो बगल में संघवी कॉलोनी है, उस छोर से के सामने वाला जो छत है वहाँ डीएस गिल हैं और कई लोग हैं, उनकी छत में मैं चढ़ा तो देखा वहाँ पाटलिपुत्र से हॉस्पिटल से पाइप बिछाया जा रहा है, तो पाइप जब 4 इंची का पाइप और वो भी उसका जो प्रेशर, उसको मैंने संभाला और दो लड़के पाटलिपुत्र के थे उसके, उन्होंने मिल के साथ दिया और मैं उसको 2.5 घंटे तक पकड़ के रखा, ये मेरा पूरा पकड़ा हुआ है अभी, आप पूरे पूरे उस फुहारे को सबने दिखाया लेकिन उस दुख की बात है कि फुहारा कौन वहाँ पर कौन टीम ने पकड़ा हुआ है उस पर फोकस किसी ने नहीं किया। दूसरी चीज वो जो फ्लैट में जिसमें आग लग चुकी थी उसमें थोड़ी थोड़ी देर में विस्फोट हो रहे थे और पानी का जो फुहारा था वो हम लोग लगातार कभी बाएं कभी दाएं, एक तो उसमें जो ग्रिल संकीर्ण था, ग्रिल अगर रखना भी है तो उसमें शीशे का आप 1x1 का शीशा लगाएं जो कभी तोड़ भी के भी आप काम में ले सकें, लेकिन दुख की बात है कि जो अग्निशामन यंत्र जिनके पास यहाँ धनबाद ज़िले में है, जब 500 से अधिक धनबाद ज़िले में मॉल और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें 10-11 तले बिल्डिंगें अब बैंक मोड़ में 1-12 तिला भी है, जब इतने बड़े बड़े बिल्डिंगों को नक्शा माडा और नगर निगम पास करता है, किस नियमावली के तहत वो पास करता है? क्या आम आदमी के जान की कोई कीमत नहीं है? ये इस बिल्डिंग अभी हाल में मेरा ख्याल है 5 से 6 साल हुआ होगा, इसमें फायर फाइटिंग सिस्टम लगा हुआ है, क्या वो कल काम किया? जब अग्निशामन के दस्ते ने यहाँ पर उनको प्रयास किया तो वो फायर नहीं किया, जिसके कारण उन्होंने मैन्युअली फिर यहाँ से गाड़ियों के माध्यम से अपना पाइप लगाया, लेकिन जब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें धनबाद में बन चुकी हैं तो इसके तहत अग्निशामन एक्ट क्या कहता है, उसके तहत धनबाद ज़िले में कम से कम 4 बड़ी गाड़ियाँ जो हाइड्रोलिक सिस्टम है, आप बॉम्बे में देखिए जब ताज में आग लगा तो लगभग 200 फीट तक
वो गाड़ियां हाइड्रोलिक मशीन के माध्यम से उन्होंने बुझाने का काम किया। तो धनबाद में जब 600 से अधिक बड़ी बड़े मॉल, बिग बाज़ार हो गया, आप देखिए प्रभातम मॉल अभी हाल ही में बना है, बड़े बड़े जब इतने मॉल बन चुके हैं तो प्रशासन क्या सोया हुआ है, क्यों नहीं संज्ञान लेता है? और आप देखें कि अगर इस, जैसे भाई साहब ने बताया कि अगर उसका एक उस फ्लोर में अगर सेकंड रहता अगर सीढ़ी भी, तो अगर एक तरफ आग लगा है तो लोग दूसरे तरफ से निकासी का काम कर सकते थे, उसका लाभ ले सकते थे, लेकिन क्यों नहीं, ये भी जांच का विषय है। तो अपार्टमेंट के लोग असुरक्षित हैं, पूरी तरह असुरक्षित है। ये जो है, ये आज के टाइम में सरकार को इन सबों से संज्ञान लेने की ज़रूरत है कि भविष्य में ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंगों में अगर कोई हादसा होता है तो इसे रोकने के लिए पहल करें। और आज ही मैं मुख्यमंत्री से ये आपके मीडिया के माध्यम से निवेदन करता हूं कि आज ही जो बजट सत्र केंद्र का है, जो आपके बजट, अब झारखंड सरकार का जो बजट होगा, उसमें इसे प्राथमिकता से ऐसे जो हाइड्रोलिक अग्निशमन यंत्र हैं उस गाड़ियों को त्वरित लिया और अग्निशमन का जुटता है, जैसे उस जो सामग्री रहती है कटर वगैरह, जैसे ग्रिल को काटी है, अब वहां से पहले के लोग, कई लोगों ने प्रयास किया उसको तोड़ने का, हम लोग ले गए तो लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। एक तो सीढ़ी भी ज़्यादा 40 फुट से ज़्यादा सीढ़ी भी नहीं थी और लोग जा भी नहीं पा रहे थे। तो इसलिए अभी सरकार इस पर संज्ञान ले और ऐसी गाड़ियों को उपलब्ध कराए और जो एक्ट कहता है अग्निशमन एक्ट, उसका अनुपालन सुनिश्चित हो, तभी जा करके धनबाद में हम ऐसी घटनाओं पे रोक लगा सकते हैं। हम लोग तो निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं प्रशासन से कि प्लीज़ कम से कम जो ये खिलवाड़ हो रही है लोगों की जिंदगियों के साथ, प्लीज़ इस पे कम से कम प्रशासन थोड़ा ध्यान दे, वरना पता नहीं और कितने जिंदगियों के साथ खिलवाड़ होगा। कोई भी सुरक्षित यहाँ पे नहीं है अपार्टमेंट में, कोई भी नहीं है।